हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं एक बर्ड हाउस शो कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने दो बर्ड हाउस अपने पोर्च गार्डन में लगाए हुए हैं। ये मैंने थर्ड बर्ड हाउस बनाया हुआ है और ये एक DIY है। और ये मैंने वुडन, जो भी आपके वुडन वर्क होता है घर में, उससे जो बचे हुए वुडन के पीस होते हैं, तो मैंने उसी पीसेज से बनाया हुआ है। और ये मैंने हार्ट शेप के बनाया है और जो दो मैंने पहले बनाए थे वो दूसरी शेप के बनाए थे। तो जैसे जैसे मुझे मटेरियल मिलता गया और बूट मिलते गए, जिस हिसाब से उस हिसाब से मैंने इनको शेप दी है। दो और बनाए हुए हैं जो मैंने गार्डन में लगे हुए हैं, उनको मैंने दूसरी शेप दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने जो इसमें कलर लगाया है, वो मैंने जो रेड पेंट मैं अपने गमलों में यूज़ करती हूँ वही लगाया हुआ है। और मैंने इसके लिए भी कुछ यहाँ फ्लावर बना दिए हैं, जो बर्ड्स के लिए गार्डन तैयार कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ इसकी पेंटिंग कर दी हुई है। और ये मैंने एक स्टिक लगाई है जिसके अंदर इजीली बर्ड बैठ सके और वो अंदर जा सके। और ये कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं साइड से कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लावर सारे। और ऊपर भी मैंने रेड शेड किया हुआ है और इसके नीचे की साइड भी मैंने रेड शेड किया, क्योंकि जब मैं ऊँचाई में इसको लगाऊँगी तो इससे आपका पूरा रेड शेड नीचे की तरफ दिखेगा। आप नोटिस भी कर सकते हैं कि ये पुराने बूट हैं, तो इसमें से इसकी थोड़ी सी लकड़ी थोड़ी सी निकल भी रही है, तो जो मैंने चिपका रखी है कायदे से। तो ये मेरे पोर्च गार्डन में दोनों मैंने बर्ड हाउस लगाए हुए हैं और इनमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रेड वाले पे। और अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो इसके अंदर एक बर्ड ने अपना नेस्ट भी बनाया हुआ है, इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो मैंने थर्ड बनाया हुआ है वो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है, और जब इस पर बर्ड बैठती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही बर्ड की जब आवाज़ आती है घर में तो बहुत सुंदर लगते हैं, और इनके बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। पर वो वीडियो बना नहीं पाई मैं, अगर अभी वहाँ पर इनके बच्चे दें बर्ड बच्चे देगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक्चुअली इसके लिए एक व्यूअर ने मुझ पर बोला था कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, और पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर मेरी बर्ड रह रही है, वो उसमें आपकी घोंसला भी उसने बनाया हुआ है। तो ये मैं उस समय डाल नहीं पाई थी, तो मैं ये अब वीडियो बना रही हूँ इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रोसेस मैं किस तरह से बनाती हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सामान रखा हुआ है, ये मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान यूज़ किया है बर्ड हाउस बनाने में। तो ये प्लाई के कुछ पीसेस बचे हैं जो बच जाते हैं ऐसे ही वर्क में, जो बचे हुए प्लाई के पीसेस होते हैं हर शेप में होते हैं ये, तो हमें इसमें से काट के निकालना होता है जिस साइज़ का हमें अपना बर्ड हाउस बनाना होता है। तो इसमें एक 1 mm की प्लाई की है प्लाई के पीसेस है, और एक 2 mm की प्लाई के पीसेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो डार्क ब्राउन है वो 1 mm की है। और इधर मैंने एक बूट काटने वाली आरी यूज़ की हुई है, एक मेजर स्केल यूज़ किया हुआ है, और एक फाइलर यूज़ किया है। ये दो तरह के फाइलर आप देख सकते हैं, एक रेकमार है और एक ये लोहे वाला फाइलर है, जिससे कि मैं स्मूथ फिनिशिंग दे सकूँ। कहीं से कटिंग हो जाती है, कहीं से रफ होता है, तो वो एक आप घिस के अच्छे से एक स्मूथ फिनिशिंग दे सकते हैं। आपके पास फाइलर ना हो तो आप कोई भी रेकमार जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं, मोटा वाला, उसके साइज़ भी आते हैं, तो आप थोड़ा मोटे साइज़ वाला रेगमा यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ड्रिल मशीन यूज़ की है जिससे मैं उस बर्ड का जो गोल जो गेट बनाऊंगी वो उससे शेप देके बनाऊंगी। और ये कुछ पेंट हैं जो मैं वॉल पेंट हैं ये, तो ये आप देख रहे होंगे रेड वाला तो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और ये वाइट एपेक्स है। तो ये दो स्टैनर हैं, मैं इसी से एक ग्रीन बनाया हुआ है, ये देखिए बना हुआ रखा है, और ये एक येलो शेड है वो भी मैं इसी से बनाऊंगी। ये सब वॉल पेंट हैं जो घर में यूज़ किए जाते हैं वॉल पे, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। तो ये मैं इसी लकड़ी के बर्ड हाउस में यूज़ करूँगी। मैंने कुछ ऐसे सामान ले रखा है इतना, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो अब देखते हैं कि मैं ऐसे कैसे प्रोसेस करती हूँ। हाँ, और ये दो एक पेंसिल जो आप मेज़र करेंगे कैसे से आपको ये बूट पीस काटने हैं कितने साइज़ के, क्योंकि ये अलग अलग साइज़ होते हैं, तो हमें एक अपने लिए जो साइज़ मेजर उन्होंने किया होता है, चाहे जितने भी साइज़ का आप बनाएं, तो मैं उसमें से निकालूंगी। पहले मैं देख लूँगी कि किस हिसाब से ये बूट के पीसेस निकल पाएंगे हमारे। और ये मैंने कुछ नेल लिए हैं, ये आप
सारा सामान आपको हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं उन्हें कि 2 mm वाली और 1 mm प्लाई के लिए जो नेलिंग यूज़ की जाती है, तो आप उनसे बोल के ये ऐसे की नेल यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ नेल रखी हुई हैं, तो इतने ही सामान फंस कर आपके बर्ड हाउस में लगना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसको बर्ड। तो मैंने एक ये बोर्ड ले लिया है और मैंने इसमें मार्क कर लिया हुआ है। तो जो मैंने जो चौड़ाई ली है, जो फ्रंट पेस मुझे निकालना है हार्ट शेप, तो उसकी जो मैंने चौड़ाई ली हुई है वो 6 इंच की ली हुई है और लंबाई भी मैंने 6 इंच की रखी है। और जो साइड है उसकी भी, जो आपकी जो मैंने लंबाई में इसको निकाला वो भी 6 इंच का निकाला है, चौड़ाई उसकी कम है। तो साइड भी मैं ऊपर वाले पार्ट से निकाल लूँगी और ये जो ये फ्रंट पार्ट है मैं इस तरह से इसको काट लेती हूँ। और मैंने उसका जो गोल निशान भी बना लिया है, जो बर्ड हाउस का जो मैं गेट बनाऊंगी, तो वो भी मैंने शेप मेंटेन कर लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी मार्किंग करी हुई है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग निकाली है। तो अभी और डिफरेंट साइज़ के बोर्ड हैं, तो उसमें से मुझे ये इसी साइज़ का मुझे निकालना है। तो ये मुझे लंबा मिल गया था, तो फिर मैंने दो चीज़ें निकालनी है, एक फ्रंट और एक साइड। तो चलिए मैं इनको काट लेती हूँ। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ पास से कि ये देखिए मैंने मेज़र किया हुआ है साइज़, और आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ चुन सकते हैं। ये तो मैंने अपने जो भी मेरे पास पीस थे उसके अकॉर्डिंग मैंने एक साइज़ रखी है, तो मुझे इसी साइज़ की सारी चीज़ें निकालनी है। चलिए अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो मैंने इसको इस आरी की हेल्प से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो गया है साइड पर, तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा इसको रेगमाल से घिस के स्मूथ कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सेक्शन काट लिया है। अब मैं एक ऐसे ही बैक साइड निकालूंगी और एक और साइड निकालूंगी, तो मुझे ये जो 4 साइड मिल जाएंगी। और नीचे का मुझे एक बेस निकालना होगा, तो वो मुझे चाहिए होगा। और ऊपर के लिए जो हार्ट शेप के लिए जो मुझे ढकना होगा, तो वो एक प्लाई मुझे लेनी पड़ेगी, वो मैं 1 mm की लूँगी। और जो मैं ये प्लाई ले रही हूँ वो मैं 2 mm की प्लाई ले रही हूँ। तो मैं इसकी आपको विड्थ भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 5 पार्ट काट लिए हैं। तो ये फ्रंट साइड दिख रहा है आपको और ये बैक साइड है जो मैंने हार्ट शेप दिया हुआ है। ये दोनों साइड हैं जो साइड में लगेंगे, तो ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, और ये इसका बेस है जिसके ऊपर हम इसको फिक्स करेंगे। जितने भी चारों पार्ट्स को इसके ऊपर फिक्स करेंगे, तो ये इसका बेस है। अब इसका ऊपर जो ढकने का कवर साइड है वो मैं बाद में काटूंगी, वो 1 mm की प्लाई में यूज़ करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे मैं ऐड करती हूँ। तो मैंने एक पार्ट इसका फ्रंट और एक साइड पार्ट जोड़ लिया है। पहले मैंने फेविकोल यूज़ किया हुआ है, वो मैं बताना भूल गई थी। मैं इसका फेविकोल लगाया है और आप देख सकते हैं कि मैंने ये 3 नेल लगाए हुए हैं, ये वाले नेल यूज़ किए हैं, सेम मैंने यही नेल लगाया हुआ है। तो जोड़ने के बाद ये पार्ट इस तरह से बन चुका है। अब मैं इसका दूसरा साइड और एक बैक और जोड़ूंगी, तो वो भी मैं जोड़ लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये एक बैक साइड का पार्ट है और मैंने इसके ऊपर ये आयरन का हैंग क्लिप लगाया हुआ है, हार्डवेयर की शॉप में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अब मैं इसके पार्ट अरेंज कर लेती हूँ, वो जोड़ लेती हूँ। तो ये मैंने 4 साइड इसकी जोड़ ली हैं और इसका नीचे नीचे का बेस भी मैंने ऐड कर लिया है, तो ये पूरा एक बॉक्स जैसा लुक दे रहा है। तो ओवरऑल मैं इसको दिखा देती हूँ चारों तरफ से। तो देखिए ये फ्रंट हो गया और अब मैं इसकी साइड दिखा देती हूँ, तो साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है। और ये बैक हो गया, दोनों साइडें और फ्रंट और बैक जोड़ लिया है और ये नीचे का बेस जोड़ लिया है। तो ये कुछ ऐसा लुक बॉक्स जैसा दे रहा है। अगर आपको ये हार्ट शेप नहीं भी बनाना है, तो आप सिंपली ऐसा बॉक्स नुमा बना सकते हैं और उसको ईजिली हैंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसकी अब इसका ऊपर का पोर्शन भी ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। और जो मैंने कवर पार्ट की जो लंबाई ली है वो मैंने 7 इंच की ली है, तो थोड़े से बड़े रखने होते हैं क्योंकि आगे का पोर्शन थोड़ा आगे थोड़ा ज़्यादा रखना होता है, पीछे बिल्कुल स्मूथ रखना होता है। तो मैं आपको एक बार शो करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसके 2 ऊपर के कवर पार्ट काट लिए हैं और मैं इनको अब इस पर रख के जोड़ दूंगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और आप देख सकते हैं ये इसके बिट साइज़ है, तो ये इतनी चौड़ी है, ये 2 mm की प्लाई, ये 2 mm की प्लाई है
और ये 1 mm की प्लाई है, तो आप इसकी विड्थ साइज देख सकते हैं। तो ये 1 mm है और ये 2 mm की प्लाई है। तो थोड़ा सा मैंने इसको ये स्मूथ फिनिशिंग दे दी इस साइड से, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मैंने इसे घिसा है फाइलर से और स्मूथ किया है। आप रैक मार से भी कर सकते हैं, फाइलर से भी कर सकते हैं। और इस तरह की मैंने ये शीट काटी हुई है, तो देख सकते हैं जो इस तरह की मैंने शीट काटी हुई है और वो मुझे लगानी है। तो मैं इसको ऐसे ही रख दूंगी इसके ऊपर, इस तरह से ये शेप आएगी लगने के बाद। तो मैं, चलिए दोनों मैं ऐड कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये पूरा कवर पार्ट भी ऐड कर दिया है, तो अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली मैं भूल गई थी तो कि मैंने एक बर्ड हाउस का जो गेट मैंने किस तरह से काटा है, तो मैं इसको एक दूसरे प्लाई पे आपको बता देती हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसे राउंड कैसे काटा है। तो मैंने इस प्लाई पे एक राउंड शेप बना लिया है। अब मैं इसको काट के बताती हूँ कि मैंने ड्रिल मशीन से कैसे यूज़ किया है इस पर, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने ड्रिल मशीन से छेद किए हैं और इसमें भी मुझे और भी छेद करने हैं। तो पहले मैंने इतने छेद कर लिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है छेद करके ड्रिल मशीन से। अब मैं और छेद करती जाऊंगी धीरे धीरे करके, तो एक बार आप करके दिखा देती हूँ। ठोक के इसको पूरा पार्ट निकाल लेंगे, तो ये पूरा पार्ट निकल आएगा एक सर्किल में थोड़ा। तो इस तरह से हमने इसे ठोक ठोक के बाहर निकाल लिया है हैमर और पेचकस की सहायता से, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये आप देख सकती हैं एक सर्किल बन चुका है। अब मैं इसे फाइलर की हेल्प से इसको स्मूथ कर दूंगी, तो ये देखने में एक स्मूथ राउंड लगेगा। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने इसको फाइलर की हेल्प से स्मूथ कर लिया है, तो ये इतना बड़ा सर्किल बन गया है। तो इसको काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट अगर आप चाहे राउंड ना बनाएं तो स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं, पर मुझे राउंड अच्छे लगते हैं। बर्ड के लिए स्टिक बनानी जिसमें वो बर्ड बैठ सके। बस थोड़ा सा फेविकोल लग गया है और जो संदे में थोड़ा सा फेविकोल लगा दूँगी जिससे कि ये संदे इसकी भर जाए, और थोड़ा सा बाहर गिर गया है। तो अब बस इसको कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कलर करूँगी और स्टिक में बाद में लगा दूँगी। तो अब कलरिंग का पार्ट रह गया है, तो आप कलर करते हैं। मैं आपको कलर भी दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन से कलर यूज़ करे हैं। तो मैंने कुछ कलर रखे हुए हैं, तो ये मैंने वॉल पेंट ही यूज़ किए हैं। तो जो रेड पेंट है वो मैं वही यूज़ करती हूँ जो मैं अपने पॉट में लगाती हूँ, और ये येलो शेड मैंने स्टेनर से बनाया है। तो येलो शेड मैंने ये वाइट एपेक्स और स्टेनर को मिला के बनाया है। तो ये मैंने लेमन येलो कलर बनाया है, तो ये इतना कलर मुझे अच्छा लगता है येलो शेड, तो मैं इसमें येलो ही करूँगी। और रेड मैंने सेम ग्रीन भी मैंने स्टेनर से बनाया है, तो मैंने वाइट एपेक्स के थ्रू बनाया है, वाइट एपेक्स में ग्रीन स्टेनर मिला के बनाया है। तो अब चलते हैं पेंटिंग भी स्टार्ट करते हैं। और पेंट के लिए मैं थोड़ा सा ही पानी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। जो भी कलर बनाए उनकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। तो ये कलर की आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये इतना ही गाढ़ा मैं यूज़ करती हूँ, तो इससे जो कलर टेक्सचर वो अच्छा आता है। और जो वाटर होता है बहुत ही कम मैं यूज़ करती हूँ, बस ब्रश को थोड़ा सा भिगोने के लिए यूज़ करती हूँ कि जो जो ब्रश है वो सॉफ्ट हो जाए वाटर में थोड़ा सा, और स्मूथली वर्क कर सके। तो पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, थिक लेती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर की कंसिस्टेंसी कैसी है, अच्छी थिक कंसिस्टेंसी है ये। तो चलिए फिर कलर भी कर लेते हैं, तो बर्ड हाउस बहुत सुंदर लगेगा। और फिर बाद में मैं बर्ड स्टिक लगाऊंगी इसके ऊपर। तो फाइनली मेरा बर्ड हाउस अब कंप्लीट हो चुका है और कलर भी मैंने पूरा कर लिया है। और ये देखिए मैंने कुछ डिज़ाइनें बना दिए, तो फ्रंट पे मैंने फ्लावर बना दिए हैं और साइड में भी मैंने फ्लावर बना दिया है, और ऊपर मैंने थोड़ी सी एक डिज़ाइन बना दी है रेड शेड से।
तो मैंने तीन ही कलर यूज़ किए थे और ये मैंने स्टिक भी लगा दी है। तो अब बन के ये पूरा सुंदर बन गया है और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं करना है, बस इसको किसी ऊंची जगह पे टांग देना है। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। और पहले भी मैंने जो बनाए थे वो कोई और मतलब वो स्क्वायर शेप के थे, तो मैंने कहा इस बार मैं हार्ट शेप बनाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।